जिले के नगर संडाफ्ता में हुई जोरदार बारिश। नगर में तेज बारिश होने से कई घरों में घुसा पानी। गत रात्रि से दोपहर 12 बजे तक गिरे पानी के कारण नाले उफान पर आ गए। वहीं श्री राम कॉलोनी में नाले का पानी कई घरों में घुस गया। कॉलोनी निवासी अशोक सेन, महेश सेन, बफाती खान ने बताया कि पानी की सही निकासी नहीं होने से उनके घरों में घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है, जिसके कारण घरों में रखे सामान, बिस्तर, कपड़ों से लेकर खाने पीने के सामान, गेहूं, आटा, दाल पूरी तरह भीग कर खराब हो गए हैं। यह समस्या कॉलोनी वासियों को हर साल बारिश शुरू होते ही चालू हो जाती है। इसके निराकरण के लिए ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर कलेक्टर महोदय तक अर्जी लगा चुके हैं, परंतु अभी तक इनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं घर पूरी तरह तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया। ये इनका किचन है जहाँ लगभग 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। ये पानी कब आया आपके यहाँ पे? 6 बजे से। 6 बजे रात में क्या क्या नुकसान हुआ आपका? गेहूँ, नाच, पानी, आटा, दाला सब बिन गए। सब बिन गया। अभी तक रोटी का भी पता नहीं है, तो रोटी भी नसीब नहीं हुई, ना चाय नसीब हुई सुबह से। अच्छा अच्छा, आपके घर में पूरी तरह पानी भरा हुआ है, आप कैसे चाय पानी पियेंगे? और उसके बाद में हमने नहीं तहसीलदार मीना साहब को भी आवेदन लिख के दे दिया था, कम से कम 8/7/2019 को दिया था। उसके बाद 6 मंत्री पोखराज नागर को भी दे दिया था। सरपंच ने भी आश्वासन दिया था करवा दूंगा। सरपंच साहब से भी कोई 50 बार की हाँ करवा देंगे, कोई भी नहीं करवा रहे हैं निकासीकरण। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम 10 बार तो संसद श्री रोडमल जी नागर को भी अवगत करवा दिया साहब, ये निकासीकरण करवा दो। अमर सिंह कोठार साहब को भी करवा दिया, कलेक्टर साहब को भी दे दिया आवेदन, और तहसीलदार साहब श्रीमती अनिता पटेल को भी आवेदन दिया, उसने भी कुछ नहीं किया था। हाँ मैं आऊँगा। और ये यहाँ नाला रुका रहा है आश्रम के यहाँ से, अगले साल से नाला बनवाया, जब से ये पानी कॉलोनी में पूरी में घुस रहा है और अंत परेशान है। कम से कम 300 जने की बस्ती है, 300 घर में ही पानी भरा गया है, इतने जाने की दिक्कत है। आप क्या चाहते हैं? ये पानी का निकासीकरण होना चाहिए, भ्याना रोड का दोनों साइड का और मनकाना रोड का निकासीकरण होना चाहिए पानी का। आपने अभी तक जिन लोगों को भी आवेदन दिया है, आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आगे आप और कहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं? अपन ने 181 पे आज लगाया था, 181 भी बंद बताया जी, और आपातकालीन पे भी लगाया था हमने बेला भी, उससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नायब साहब आ गया था नाम सोर आपसे, तहसीलदार साहब वो जीरापुर है आजकल, उन्होंने भी कहा करवाएंगे। फुलेरे जी और मीना साहब और सरपंच अगले साल भी घर के आगे पानी आके देखा, सारा नाच खत्म हो गया था। 50,000 रुपये का नुकसान हो गया हमारा दोनों भाई का, मैं और अशोक सेन का। जी जी, ना मुआवजा मिला आपको? मुआवजा भी मिला पिछली बार? हाँ पिछली बार नहीं मिला। और उसके बाद जीरापुर वाले पटोरी जी आए थे खान साहब, उन्होंने भी नहीं दिलवाया, उन्हें भी आवेदन दे दिया था। जी जी ठीक है जी। महेश सेन जी, हाँ क्या हुआ आपके घर में? पानी हो गया? पानी घुस गया साहब। और कितना नुकसान हुआ आपके यहाँ पे? आटा, दाल, गेहूँ, थैले सब बिन गया, बहुत सामान बिन गया, निकल गया, बिक गया सामान, तो चप्पल जूता बिक गया। जी जी, और समस्या है क्या कुछ? पानी क्यों रुका हुआ है यहाँ पे? क्या नाला दिक्कत है ना, गुरुमाज का आश्रम का नाला रुका है, वहाँ से दीवार खड़ी होगी। वो आश्रम का जो नाला है किसने रोका? आश्रम गुरुमाज के वहाँ से रुका है समिति वाला ने। अच्छा, जो आश्रम की समिति है उन्होंने नाला रोक दिया है? दीवार करवाई 6 फीट की। अच्छा, इस कारण से आपकी कॉलोनी में पानी आ रहा है? पानी आया जी। तो आप क्या चाहते हैं? नाला खुलवाना चाहते हैं हम। जी जी ठीक है जी। राजगढ़ संडाफ्ता से जगदीश सिसोदिया की रिपोर्ट।